एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ वक्त पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से दौसा से आप जा सकते हैं नू तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करके, और आज फिर एक बार मैं आपको लेकर आ चुका हूं दौसा। लेकिन ये जो जगह है ये है लालसोट, जो कि दौसा ज़िले के अंदर ही आता है। और दौसा ज़िले में दो इंटरचेंज है, एक लालसोट में यहाँ पर बनाया गया और दूसरा जो कि मैं आपको पिछली बार दिखाया था। तो इसी दोनों के बीच का जो काम है वो हम और आप देखने वाले हैं। टोटल ये 34 किलोमीटर लंबा पैच है और इसी का अपडेट देखने वाले हैं, यानी कि लालसोट से लेकर दौसा के अगले इंटरचेंज तक चलने वाला हूँ। और वो इंटरचेंज है जो कि बनाया गया है जयपुर आगरा रोड के ऊपर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम इसमें हुआ है। ये है एंट्री पॉइंट, और यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आप लालसोट जा सकते हैं, राइट जाएंगे तो आप जा सकते हैं दौसा। और यहीं से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। सामने अगर आप देखेंगे तो ये है टोल प्लाजा, और इस टोल प्लाजा पर लिखा भी हुआ है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, और उसके ठीक बाद आपको दिखेगा दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। और इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 भी कहते हैं। मैं इसे इंटर करते हुए आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, यहाँ से आगरा जयपुर रोड तक, जहाँ पर दौसा का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाया गया है। इनफैक्ट आपसे कहूँ तो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज आपको देखने को मिलेगा इस तरफ, और हम और आप इसी तरफ चलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, वेदर भी बहुत ही कमाल का हो रहा है आज। पहली बार हम और आप इस जगह यानी कि राजस्थान के लालसोट से अपडेट देख रहे हैं इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, और अब तक इसका कोई भी अपडेट मैंने आपको तो नहीं दिया है, तो पहली बार इसका अपडेट देखेंगे। और ये जो 34 किलोमीटर है इसमें हम और आप ड्राइव भी करेंगे। वाओ, वेदर बहुत ही कमाल का हो रहा है। और जैसे ही आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिखेगा जिस पर लिखा गया है स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। जी ये देखिए, तो क्या बोलते हो, ड्राइव करें 120? यहां से देखेंगे तो लिखा हुआ है दिल्ली 270 किलोमीटर और राजगढ़ 100 किलोमीटर। राजगढ़ यानी कि अलवर के पास जो पड़ता है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये होने वाला है तकरीबन 1350 किलोमीटर लंबा। ये स्टार्ट होगा दिल्ली के DND से और ये जाएगा मुंबई तक, तो बेसिकली दिल्ली और मुंबई को और भी पास ले आएगा। क्योंकि अभी जो आपका ट्रेवल टाइम लगता है ना दिल्ली से मुंबई तक का 24 घंटे का, उसको ये सीधा आधा कर देगा और आप 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई तक का जो सफ़र है वो तय कर सकते हैं। और इसी वजह से मैं आपको ये एक्सप्रेस वे दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि वाकई जो कहा जा रहा है कि आधे वक्त में आप इस एक्सप्रेस वे के जरिए ट्रेवल कर सकते हैं दिल्ली से मुंबई, वो पॉसिबल हो सकता है या नहीं। चलिए, वैसे यहाँ से अगर आप देखेंगे जो सोहना है वो है 216 किलोमीटर। बहुत आगे आ चुका हूँ आज मैं, हाँ 216 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है मुझे वापस, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 34 किलोमीटर का ही अपडेट दूंगा, लेकिन मुझे तो वापस गुड़गांव तक जाना है और गुड़गांव जाने से पहले आएगा सोहना, तो तकरीबन मुझे अप्रॉक्स 250 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो फर्क ये पड़ता है कि आपको अपडेट दूं और दिखाऊं कि कितना बेहतरीन ये एक्सप्रेसवे बना है।
वैसे इस एक्सप्रेस वे पर अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो अगर आपने कुछ वक्त पहले जो मैंने दौसा से लेकर नूह तक का अपडेट दिया था तो उससे आपको पता चल ही गया होगा कि आप नूह से लेकर दौसा तक बड़े आराम से आ सकते हैं। इस अपडेट को देखने के बाद तो आपको और भी कंफर्म हो जाएगा कि दौसा ज़िले में जो दोनों इंटरचेंज बनाए गए हैं उन दोनों इंटरचेंज पर आप ट्रेवल कर सकते हैं नूह से लेकर। जी सोहना से लेकर ट्रेवल इसलिए नहीं कर सकते कि बीच में अभी कुछ जगह है जहां पर काम चल रहा है और बरसात के मौसम में तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रेवल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जितने भी स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं वो अलाउड नहीं है और हाँ बाइक भी इस पे अलाउड नहीं है। और बाइक अगर अलाउड नहीं है तो आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जब भी अपडेट देता हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप सभी यही पूछते हो कि भाई इस पे बाइक अलाउड है या नहीं। तो ये बात कन्फर्म है भाई कि इंडिया में जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उन सभी पे बाइक अलाउड नहीं है और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी आपकी सेफ्टी के लिए, जो इस पे कार ड्राइव करेगा उसकी सेफ्टी के लिए भी और जो बाइक ड्राइव करेगा उसकी सेफ्टी के लिए भी। और सिर्फ बाइक ही नहीं, ट्रैक्टर भी अलाउड नहीं है भाई इस पे, टेम्पो भी अलाउड नहीं है इस पे, जो बैलगाड़ी होती है वो भी अलाउड नहीं है। तो जो भी स्लो मूविंग व्हीकल्स है ना वो अलाउड नहीं है, साइकिल भी अलाउड नहीं है। हाँ चलिए, वैसे देखोगे तो पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर एक आने वाला है रेस्ट एंड सर्विस एरिया जो कि 2 किलोमीटर बाद है। अब आप पूछोगे भाई ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया क्या है, तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी आपके लिए भी और आपकी गाड़ी के लिए भी। आपके लिए से मेरा मतलब है फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, होटल, मोटेल, और आपकी गाड़ी से मेरा मतलब है फ्यूल स्टेशन, सर्विस सेंटर। और इसीलिए ये रेस्ट सर्विस एरिया हर थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाया गया है और दौसा ज़िले में तो एक्चुअली 2 हैं क्योंकि इंटरचेंज 2 हैं तो ऑफकोर्स रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी 2 बनाए गए हैं। ये कंपेयर टू जो इसके बाद आएगा उससे छोटा है लेकिन फैसिलिटी इसमें भी सारी मिलेगी आपको। ये है रेस्ट एंड सर्विस एरिया, इसको क्रॉस करते हैं। आप इस पे स्पीड लिमिट रखा गया है लेकिन इसको डिजाइन किया गया है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आप को हो सकता है आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा अभी कि 120 की जगह इसको 150 कर दे। अब ऐसा नहीं है कि इस देश में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, है ना? मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे ड्राइव किया उस पे? नहीं किया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई लेकर चलेगा तुमको बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक लाख करोड़ की लागत से अगर ऐसे एक्सप्रेसवे बन सकते हैं तो और बनाओ। नितिन गडकरी साहब, ऐसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2-4 और बना दो, मतलब दिल्ली से आप चेन्नई भी बना दो, एक दिल्ली से कोलकाता भी बना दो और एक दिल्ली से बना दो आप कश्मीर, हाँ सारा कनेक्ट कर दो।
ये है दौसा जिले में बनाया गया दूसरा इंटरचेंज जो कि सबसे बड़ा है, और इस वक्त पे मानसून के सीजन में तो ये देखने में बड़ा ही कमाल का लगता है। जी हाँ, तो यहां पर हमारा और आपका सफर होता है खत्म, और इस जगह पर लिखा भी है जयपुर जाने के लिए लेफ्ट ले, यहां से 1 किलोमीटर आगे इंटरचेंज से, और गुड़गांव और दिल्ली जाने के लिए आप राइट हैंड साइड में ही रखें, मतलब नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 पे पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। बस खत्म हुआ आज का अपडेट, यकीन नहीं हो रहा ना कितनी जल्दी खत्म हो गया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।